बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहरीम सबा, तहरीम सबा के चैनल में आपको वेलकम, हुशरा मंदीर और जी आयान हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक फिट फाट हर से हजाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आपकी खिदमत में फिर से आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जिसे कहते हैं पचाचो पिन व्हील। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डो तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा, प्लेन फ्लोर, और यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, आपको जितना मुनासिब लगे आप कर लीजिए। तो चलिए आइए इसे मिक्स करते हैं। अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाए सारी तरफ, तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पोटैटो व्हील्स सबके फेवरेट होते हैं, बच्चों और बड़ों के। बड़े जो हैं इसे टी टाइम में खा सकते हैं और बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है इन्हें। अब मैं पानी ऐड करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करूँगी। इसकी डो हमने जो है वो सख्त बनानी है, मतलब ज़्यादा आपने नहीं करना उसे, थोड़ा थोड़ा इसलिए पानी ऐड कर रही हूँ, तो ताकि इसकी डो जो है अच्छी बने, जैसे समोसा की हम डो बनाते हैं वैसा ही। सेम समोसा के लिए जो हम डो बनाते हैं वैसे ही हमने बनानी है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो यहाँ पे तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि डो रेडी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मोर ऑयल ऐड करूँगी और इसे भी गूंद लूँगी, ताकि हमारी जो डो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट भी बने, मतलब जब हम इसे तलेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। तो डो जो वो रेडी हो चुकी है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आप देख सकते हैं डो। तो यहाँ पे स्लैडी बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून यहाँ पे पहले प्लेन फ्लोर लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँ। मिक्स करने के बाद फॉक की मदद से मैं इसमें और फ्लोर ऐड करूँगी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी ऐड करके तो हमारी स्लैडी तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि स्लैडी तैयार है। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएं, तो यहाँ पे मैंने 4 आलू को बॉईल करके रेफ्रिजरेटर में रखा था 15 मिनट के लिए, और इन्हें मैश होने कर लिया है। दूसरे मसाला जात देखें तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबल स्पून, नमक इस पिज़ाई का 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च कुटी हुई, यहाँ पर कुछ मैंने मिंट स्लीव लिए हैं, 1 ग्रीन चिली ली से काटा हुआ है, और कुछ हरा धनिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने डाल दिया। आयान से कोई भी चीज़ बाकी ना रह जाए बर्तन में, रिस्क ज़ाया ना हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये लेमन जूस चला गया, अब हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार मसाला जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये मसाला जो है मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए आटे को देखते हैं। आटे को आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इसे 10 से 15 सेकंड के लिए और करूँगी इसमें मेहनत, तो फिर उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो चलिए जी रेडी है, मैं इसे 2 हिस्सों में बांट लूँगी आटे को। अब मैं जैसे पेड़ा बनाते हैं ना, वैसे ही से बनाकर और इसकी रोटी बेलूंगी। चाहे जिस भी शेप में हो, गोल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जो भी आपको पसंद है कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। चलिए आइए इसे बेलते हैं। बेलन की मदद से मैं इसे बेलने लगी। आप चाहें तो इसे थोड़ा पहले हाथों से भी शेप दे सकते हैं। तो ये जी मैंने बेल ली है रोटी, शेप पे ध्यान मत दीजिए, हम इसे काटते हैं बिकॉज़ इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, ना ही हमें इस रोटी को जो है मोटा नहीं रखना है, बारीक रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ,
ये देखिए आपने मोटा नहीं रखना, बारीक रखना है। तो चलिए जी हम अपना जो है वो टेक्सचर इसमें डालते हैं। तो स्पून की मदद से हम इसे फैलाएंगे, पहले हम डाल देते हैं फिर हम उसके बाद इसे फैलाएंगे। तो जी हाँ, आप अगर स्पून की मदद से स्प्रेड करेंगे तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। यहाँ पे जो हम नीचे वाला कॉर्नर है इसे थोड़ा खाली रखेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे इसे मैच करना है। तो चलिए जी आए इसे हम रोल कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से हम इसे रोल करेंगे। चलिए जी ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही रोल करना है हम इसे। अब हम एंड पे जो हमारी स्लैरी है उसे ब्रश की मदद से या हाथों की उंगलियों की मदद से आप इधर लगा लीजिए कॉर्नर पे ताकि अच्छे से मैच हो जाए। तो ये मैंने लगा लिया, हमें इसे मैं मैश करूँगी। अब जैसे बेलन बेलते हैं वैसे ही आप इस रोल को थोड़ा सा बेलेंगे, कॉर्नर को मिला दीजिए। नहीं जी हम जैसे बेलन बेलते हैं हम इसे वैसे ही थोड़ा सा बेलेंगे बिकॉज ये थोड़ा मोटा हो गया है। हम इसे ऐसे ऐसे करके थोड़ा लंबाई बनाएंगे। इसके मैं कॉर्नर्स पहले काट के अलहदा कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे कट करूँगी। तो लें जी मैं इसके इनको कट कर लेंगी हूँ। तेज़ धार वाली जो है छुरी उससे आप काटिए और आधा आधा इंच का वक्फा रख के आपने काटना है इसे, और आराम से काटना है, तेज़ी से नहीं काटना ताकि इनकी शेप जो है वो ख़राब ना हो। तो मैं जी मैंने इन्हें काट दिया है। अब ऐसे थोड़ी सी शेप तो हो जाती है ऐसे वैसे, लेकिन आप इसे हाथों से थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा कर लें और ऊपर से थोड़ा हमने दबाना है इसे ऐसे जैसे मैं दबा रही हूँ उंगली की मदद से, और प्लेट में रखते जाएं। तो देखिए जी माशाल्लाह से इसे कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। लीजिए मैं यहाँ इन सब को शेप दे लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए जी मैंने इन्हें शेप दे लिया है। हमारा कढ़ाई में तेल गर्म है, जी हाँ बिल्कुल तेल गर्म है। अब मैं एक उठाऊँगी इसे स्लैरी में डालूँगी, मैं डिप करके कांटे की मदद से वॉक की मदद से। तब मैं इसे कढ़ाई में डालूँगी ऐसे ही, इसी तरह से दूसरा। इसी तरह से हमने सारे पिन व्हील्स जो हैं वो स्लाइडिंग में पहले डिप करके उसके बाद हम इन्हें तल लेंगे। तो मैंने ये सारे डाल दी हैं मैंने, फिर अब इन्हें जो है दो दो मिनट के बाद हमने पलटना है ताकि दोनों साइड से कलर जो है वो आ जाए, प्यारा सा कलर आए व्हील्स में। यमी पोटैटो व्हील्स रेडी हो रहे हैं, खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। आप अपने बच्चों को बना कर दीजिए, टी टाइम पे स्नैक्स के तौर पे खाइए, बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये स्नैक्स। आप इन्हें छोड़कर साथ में दूसरी रोटी बेलकर जो आटा रह गया है उससे रोल तैयार करके आप पिन व्हील्स और बना सकते हैं। तो लें जी ये रेडी हैं, इन्हें कलर भी आ चुका है प्यारा सा। अब मैंने निकालूंगी, मैं आपको पहले दिखा दूँ ये ऐसे हैं, यम्मी। तो लें जी मेरे पोटैटो व्हील्स जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार, और साथ में इमली की चटनी, क्या बात है, रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने रखे हैं। तो आप खा कर बताइए कैसे हैं, बहुत ही मज़ेदार यम्मी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर से। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो अपने घर वालों को खिलाते रहिए। ऐसे यमी यमी रेसिपीज अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत खुश होंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।